साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की बहुत ही जल्द एक और बड़ी मूवी आने वाली है। रवि तेजा एक के बाद एक बड़ी फिल्मों के अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं और इनकी आने वाली हर फिल्म काफी बड़ी फिल्म होने वाली है। अभी कुछ ही देर पहले इनकी आने वाली नई फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया है। इस टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि फिल्म में हमें काफी खतरनाक एक्शन देखने को मिलने वाला है और इस फिल्म का नाम होने वाला है ईगल। इस टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में हमें खतरनाक एक्शन दिखाया गया है जिसमें रवि तेजा सर के लुक को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन अनाउंसमेंट वीडियो में गाड़ियों को उड़ता हुआ मशीन गन्स दिखाई गई है, जिनको देखकर लग रहा है कि फिल्म में काफी खतरनाक कूट कूट कर एक्शन भरा हुआ है। और रवि तेजा सर भी हमें काफी खतरनाक एक्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, पर हिंदी ऑडियंस के लिए एक बुरी खबर हो सकती है क्योंकि अभी तक मेकर्स की तरफ से ये अपडेट नहीं आया है कि फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा या नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसको लेकर कोई अपडेट मिल जाए और रवि तेजा सर की एक फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाए। लेकिन इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला कि फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो फिल्म में हमें कई अच्छे और बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में लीड रोल में तो रवि तेजा सर ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ हीरोइन के रोल में साउथ की एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन देखने को मिलने वाली है। इन दोनों के साथ साथ फिल्म में हमें साउथ के और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी उनको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक कार्तिक कुट्टमन्नी के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। आने वाले समय में हमें रवि तेजा सर की कई और बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली है जो पैन इंडिया रिलीज होंगी, और अब 2024 के स्टार्टिंग में ही रवि तेजा सर अपनी इस फिल्म के साथ धमाका करने वाले हैं। लेकिन अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है कि फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा या नहीं, और आपको बता दें कि इस फिल्म को 2024 में संक्रांति के मौके पर रिलीज किया जाएगा यानी कि 15 जनवरी को। फिल्म की शूटिंग का लगभग 50% काम कंप्लीट हो चुका है और दिवाली तक बाकी काम भी पूरा करने जाएगा। इसके बाद 2024 के स्टार्टिंग में हमें ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि 2024 में संक्रांति के मौके पर हमें बॉलीवुड और साउथ की कई और भी बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली है, इसलिए ये बात तो पक्का है कि इस फिल्म का क्रैश किसी बड़ी फिल्म के साथ जरूर आएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा या नहीं, और क्या फिल्म की रिलीज डेट को बदला भी जाता है या नहीं, क्योंकि इस डेट पर कई बड़ी फिल्में अटकी हुई हैं। इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि फिल्म की रिलीज डेट बदल देनी चाहिए, बाकी साउथ में तो फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।